कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। बिजली नहीं है इस 70 साल की झुर्रियों भरी शर्ट को इस्त्री करेगा कौन? तुम जिंदगी में कभी मेरे काम ना आना, और अल्लाह गवाह है आज तक तुमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई मुझे। अल्लाह गवाह है आपने आज तक मुझे 500 रुपए से ज्यादा पॉकेट मनी नहीं दी। 500 रुपए में ऐसी खबर मिल सकती है भाई? यही पहन लेता हूँ। 500 रुपए भी मेरी और तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। वैसे तो हीरो बन के जा कर रहे हैं आप। ऑफिस का एनुअल डिनर है, हटो खुद ही इस्त्री कर लूंगा 500 रुपए। अच्छा मेरी बात तो सुने, इशार ये लो ऐसे उड़ो। एक मिनट, ये दुपट्टा है या शामियाना? मैं नहीं ओढ़ी इतना लंबा दुपट्टा। मत ओढ़ो, लेकिन ओढ़ लेती तो अच्छा लगता। मुझे नहीं पहनना, मर्जी है तुम्हारी। वैसे डैडी सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। I'm glad कि तुम मान गई और तुमने कोई तमाशा नहीं किया। तो और क्या करती? उनकी वही पुरानी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जिस तरह उन्होंने मुझे जबरदस्ती पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, उसी तरह मुझे इस लड़के से मिलवा रहे हैं। डैड का बस चले ना तो हमें वो घोड़े वाले चश्मे पहनाकर गोल गोल घुमा दे। सीरियसली? आखिर हमें ऑफिस के एनुअल डिनर में इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? भाई शावीर से मिलवाने का इससे अच्छा कोई ओकेजन नहीं। नेक्स्ट वीक वो यूएस जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं होता। इसका मतलब मेरे पास बहुत टाइम होगा अपनी पसंद के लड़के को ढूंढने का। क्या मतलब? मतलब मेरे टैरो कार्ड्स में लिखा है कि मेरी लव मैरिज होगी। What's wrong with you? इस तरह की बातें करते हुए डर नहीं लगता तुम्हें? लगता है, लेकिन इस डर में एक थ्रिल है, एक मजेदार सा सस्पेंस। एक बात तो बता, इसके साथ या किसी और के साथ? बताओ ना। Let's go, we're going late. Wait. Come. Oops. Damn. All right. Hey, mashallah. देख कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? मैं कुर्बान सुर्खी पाउडर लगा के। अब आप तो ना ऐसा कहें। आपको पता है आपका बेटा कुदरत इतना खूबसूरत है। हाँ, जब ही तो कह रही हूँ कि अपनी नजर उतरवा के जाइयो। है सोनी, जा जाके वहाँ लाल मिर्ची लेके भाई की बात। अम्मा देख खबरदार, जो तू नजर उतराए बगैर गया होगा। अम्मा मुझे पहले ही देर हो रही है ना, जाने दें। अगर तू यूं चला गया ना तो कोई ना कोई चुड़ैल पड़ी तेरे पीछे। अमीर चुड़ैल हो ना भाई, तो वापसी पे घर ले आना। तो सोच लिया कर क्या बोल रही, मुंह के आगे खंदक है तेरे। मैंने तो अपने शहजादे के लिए 3-3 लड़कियां देख रखी हैं। बारी बारी शादी करेंगे या एक साथ? अरे रुक तो, अरे नजर तो उतराता जाता। वैसे
इशाल काफी जज रही है आज। तो अच्छी बात है, प्यारी लग रही है। यानी कि इस बार भी तुम्हारे डैड का ये जो नया मिशन है 100% कामयाब हो। अगर आपके होते हुए ऐसा हो गया ना तो मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर समझूंगी रैबर भाई। That's very rude, इशाल। अरे इसमें मेरी कौन सी गलती है? तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी किसी के साथ तय की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर वो चाहते हैं पूरी दुनिया को तबाह कर दे फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो एक गरीब घर दामाद हूँ ना। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने तो आपको कभी अंडरएस्टिमेट नहीं किया। पता नहीं आपको क्यों हर वक्त घर दामाद होने का कॉम्प्लेक्स खाया जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स खाया जाता है? वाह जी वाह। अरे घर की डस्टिंग और ग्रोसरी शॉपिंग करने के अलावा ऐसा कोई काम है जो मैंने नहीं किया? हद है भाई, अगर आप अपने घर में होते तब भी तो ये काम करने पड़ते। वक्कूफ इंसान, अंधे हो क्या? अब सामने खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हटो सामने से। अंधा मैं भी? आप, आपको नजर नहीं आ रहा, आप उल्टी साइड से आ रहे हैं। क्या कह रहा है? व्हाई आर यू गेटिंग आउट? क्यों मुझे बता रहा है कि मैं गलत हूँ? इतनी बड़ी गाड़ी दिख नहीं रही है। जस्ट इग्नोर हिम। रहबर, लिसन टू मी। कम सुनते हो, हटो सामने से। किस किस्म का आदमी है? इसीलिए डैड कह रहे थे कार लेकर जाओ, इसको नीचे नहीं उतरना चाहिए था। इशान क्या? वो सही तो आ रहा था और उसने कोई बदतमीजी भी नहीं की। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे कहीं जरूरी पहुँचना है। हटाइए गाड़ी। मैं अपनी गाड़ी हटाऊं? अगर ना हटाऊं तो गुड क्वेश्चन। तो फिर मैं आपसे तुम पे आऊंगा और तुमसे तू पे। हटाइए। और मैं तुम समेत तुम्हारी बाइक के ऊपर से गुजर जाऊंगा। लगता है आपको अपनी गाड़ी जलवानी है। धमकी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे छोटे लोगों से डरता हूँ? मैंने एक बार कह दिया कि ये गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी, सो नहीं हिलेगी। इशाल, तुम कहाँ जा रही हो? What's wrong with you? I'm gonna call Dad. Just wait. Dad, क्या करेंगे? Don't be silly. Listen, what's wrong? Don't go out. Let me go. I have to go. इशाल, सोच लो बर्गर। लगता है तुम्हारा पहले कभी किसी बन कबाब से वास्ता नहीं पड़ा। ये क्या हो रहा है? इशाल, तुम अंदर जाओ। Hi. क्या कर रहे हैं रेवर भाई? किसको फोन मिला रहे हैं? आई थिंक पीएम को कर रहे हैं। कर लो, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा ना हो कि उनके आने तक कोई और आए और गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी छीन के ले गया, फिर आप तीनों को इस बाइक पे घर जाना पड़ेगा। रेवर भाई क्या कर रहे हैं? गलती आपकी है तो फिर ये सब करने का क्या फायदा है? रिवर्स करें गाड़ी और चले, लेट्स गो, बहुत देर हो रही है। इसे आपसे मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई। घामड़ आपका रिश्तेदार है, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। आप जाइए यहाँ से भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक एरिया है, यहाँ पे हर रोज 10-15 गाड़ियां छिनती हैं। अभी कोई आएगा ले जाएगा। जाइए जाइए। अरे बल्कि वो देखिए कोई आ रहा है। ओ माय गॉड, देखिए असल में वो चले रहे हैं। भाई चलें चलें चलें, लेट्स गो। मैं तुम्हें देख लूंगा। चले रहे भाई, सीट पे का रिलैक्स। माय गॉड, कितना रूड आदमी था। क्या भेजने की बात कर रहा था? और वो आपसे क्या कह रहा था रेबर? क्या कह रहा था आपसे कि आपके पास भेजा नहीं है? भेजा दिमाग को कहते हैं, है ना रेबर भाई? हाँ हाँ, हंस लो। पर I'll have the last laugh। मैं डैड को सब कुछ बताने वाला हूँ। डैड से इसकी शिकायत करने की क्या जरूरत है रेबर भाई? इसकी नहीं, तुम्हारी। इशाल, इस शहर में मेरी बहुत इज्जत है। तुम्हारी गलती थी, तुमने उसकी साइड क्यों ली? मैंने उसकी साइड कब ली? बाहर निकल कर कहा कि मुझे अपनी गाड़ी रिवर्स करनी चाहिए, कि मैं गलत हूँ, और तुम भी खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। अरे समझाया क्यों नहीं कि ये पाकिस्तान है, यूरोप नहीं, यहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं। वैसे इशाल, he's right। यहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं। इनके सामने कभी भी अपनी गलती मानोगी ना तो ये लोग तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। सो बेस्ट है अपनी गलती तो माननी ही नहीं। सिंपल। सीरियसली? या आई डोंट बिलीव इट। एनीवे,
He's out of our lives. अब वो हमें कभी नजर नहीं आएगा. So let's just forget about him. लगाना ठीक है, ये लो इसे भी ले जाओ और आराम से लगाना. और हाँ ये सौगा रखो. Can't do anything about it, you know, right? Oh, hi, Reba. How are you? Very well, thank you. So nice of you to come. Hi, Eva. Hi. Hello. Ishal. Ah, hi, Ishal. आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपके डैड से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है. कब तक हैं आप यहाँ? अभी कुछ पता नहीं, कुछ भी प्लान नहीं किया. आइए मैं आप लोगों को आपके बैठने की जगह दिखा दूं. प्लीज कम आइए. शाबीर, शाबीर. हाय आरिज, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. सो नाइस ऑफ यू टू कम. घर मिल गया था आराम से? हाँ, बहुत आसानी से. गुड, इनसे मिलो. ये हैं रेबर सुल्तान 3E के चीफ एग्जीक्यूटिव और ये हैं आरिज हैदर. किस किस को इनवाइट कर लिया? Anyway, please, हमें बताएं, where are we sitting? उधर. आप ऐसा करें, इन लोगों को सेटल करें, मैं अपने कॉलीग्स के साथ टाइम गुजारूंगा. प्लीज. ओके. कम. सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वैसे अपने एम्प्लॉयज को काफी सर्द चढ़ा रखा है आपने. कैसी बातें करते हैं ड्राइवर साहब. रिस्पेक्ट और सर चढ़ाने में बहुत फर्क होता है. ये सब मेरे दोस्तों की तरह है. प्लीज कम, प्लीज सिट. एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ. या ओके. हाँ भाई, मिस्टर शुएब कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक. तू ये बता, गायब किधर था? यार थोड़ी देर होगी, वो रास्ते में एक बर्गर किस्म का आदमी था, उससे फड्डा हो गया था मेरा. मैं तो तुम लोगों को फोन करने लगा था यार. तो कॉल कर लेता, आ जाते, बड़ा मजा आता. जरूरत नहीं पड़ी, एक चपेट की मार था बस वो. ओए ये क्या हो रहा है? लगता है खाना खुल गया. एपेटाइजर है यार, मैं लेके आता हूँ तुम लोगों के लिए. इंप्रेसिव, बट आई एम 100% श्योर ये पुरानी वेल्थ नहीं है. स्टिंक्स ऑफ न्यू रिच. रियली? How do you know that? Style से. Self-made लगता है. No thanks. क्यों? Self-made सही नहीं होते क्या? देखा नहीं अपने employees के साथ किस तरह over familiar हो रहा था? Nonsense. सर पे चढ़ा रखा है. इसलिए तो बेचारा बदतमीज था. It's not his fault. बस उसने अपनी position भूल ली. Well, I still think कि उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी. वो तो बस अपना हक इस्तेमाल कर रहा था. And I guess he had every right to do that. You guess. You're not sure. पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बदतमीज था. वैसे तुम जैसे बाहर पढ़ने वाले लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि दरअसल you're still misfits. यहाँ भी और वहाँ भी. I am not a misfit. No? अगर यकीन नहीं आता तो एवा से पूछ लो. एवा से क्या पूछूं? उसने तो बिना सोचे समझे आपके यहाँ में आई मिलानी है. Excuse me. Oh my God.
वो दरअसल मेरी गलती नहीं है, आपने अचानक से रिवर्स गियर लगा लिया था। I don't find it funny. और ये खाने का इतना ही शौक है तो दो दफा चक्कर लगा कर ले जाते। क्वांटिटी देखें आप, कितना सारा खाना लेके जा रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं लेके जा रहा, ये जिसके लिए भी लेकर जा रहे थे मेरे कपड़ों पर तो गिरा दिया ना आपने। एंड बाय द वे, लेडीज के साथ डिस्टेंस रख के चलना चाहिए। देखिए मैं तो दूर ही था, आपने 3-4 कदम पीछे ले लिए। दरअसल प्लीज आपको मैं अपनी शर्ट दे दूं? शर्ट? नो थैंक यू। फोन उठाओ। ओ, उनको फोन की आवाज नहीं जा रही होगी, वहां थोड़ा शोर है ज्यादा। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि मैं आपके पीछे खड़ा होता हूँ, आपके साथ से चलता हूँ, आपको वहां तक छोड़ाता हूँ। मुझे वहां नहीं जाना, मुझे घर जाना है। तो फिर आइए आपको गेट तक छोड़ाता हूँ। Will you please leave me alone? नहीं, I'm sorry, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। Whatever. Just call her back. ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैंने छुपा दिया, किसी को नजर भी नहीं आएगा, आप आराम से वहाँ जा सकती हैं। इसके साथ मैं पान का कैबिन लग रही हूँ। अरे नहीं, आप कभी बुरी लग ही नहीं सकती। ये लें, अच्छी लग रही हैं आप। ईशान, you look so tacky, just take it off. अच्छा listen, शावीर तुमसे बात करना चाह रहे हैं। No Eva, please, I just want to go home right now. Just for 5 minutes. You look fine. Trust me. Just go. Please. Sure. God, what's wrong with you? आप बोर तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं। आपको पता है आपके डैड ने आपको यहाँ क्यों भेजा? कुछ कुछ अंदाजा है। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपसे मिलने के बाद इरादा बदलने लगा। इतनी जल्दी इरादे बदलना अच्छी बात नहीं होती। मुझे हैरत है। किस बात पे? अपने आप पर और अपने इरादों पर। मुझे भी हैरत है। किस बात पे? आप पर और आपके इरादों पर। क्यों? आप मुझे कितना जानते हैं? यही पूछने के लिए तो मैं आपको यहां तक लाया हूं, आपको जानना चाहता हूं। और अगर मैं कहूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरा ऑफिस क्यों नहीं डिजाइन करते थे? सिर्फ मुझे जानने के लिए आप मुझसे अपना ऑफिस डिजाइन करवाएंगे? इरादा तो ऐसा ही। इस दौरान शायद आप मुझे जानने की रियायत भी दे दें। शावीर साहब, मैं छुट्टियों पर आई हुई हूँ, काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं। अप टू यू। बहरहाल मेरा ऑफर वैलिड है, थर्सडे तक अगर आप चाहें तो आ सकते। और उसके बाद? उसके बाद मेरे इरादे कमजोर पड़ जाएंगे। इशाल इस वक्त डैड, वो इशाल घर पे नहीं है। What? तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें क्या करना है। मुझे सारी खबर चाहिए कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है और कब वापस आती है। आप बेफिक्र हो जाए सर। ऐसे मैंने तो मना किया था कि तुझे फोन करके ना बुलाए, पर सुनती थोड़ी है किसी की बात। अम्मा, आप आरिस भाई को आवाजें दे रही थी, मैंने खुद सुना था। भाई जब परेशानी होगी तो मैं बड़े बेटे को आवाज दूंगी ना, और किसे दूंगी। साहिर है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ ना मैं डॉक्टर को भी दिखा दी, तसल्ली होगी कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। बस आप आराम करें, भूख लगी हुई आपको? सोनी खाना लगाओ। अल्लाह, खाना भी मैं लगाऊंगी, ये क्या बात हुई भाई? तो फिर कौन लगाएगा? इसको बोले ना। खाना
खा नहीं रहा तो लगाऊं क्यों? ओ उठ, उठो सोनी, चलो जाओ दोनों खाना लगाओ, वरना तुम्हारा ये फोन तोड़ दूंगा मैं। जा रहा हूँ, लड़कियों वाले काम भी मुझसे करें। लड़कियों वाले? और बाहर जाके जब बाथरूम साफ करना पड़ेगा ना, फिर समझ में आएगा। चले ही ना जाऊंगा बाहर। क्यों नहीं जाएगा भाई, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। ऐसी कोशिश से कुछ नहीं होगा। ये बताएं, कोई मिली? कौन? अरे वही, कोई चुड़ैल। और कौन? आप चुड़ैल देखने गए थे? अरे यार कोई चुड़ैल वुड़ैल देखने नहीं गया था, उल्टा बाइक ठुकते ठुकते बची। वो तो शुक्र उनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, वरना आज बहुत पिटता। गाड़ी वाली कैसी थी? अच्छी थी, फिट। सब पे जाऊं, दीदी उस वक्त भी काबू में नहीं थे क्या? अम्मा गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी थी, खूबसूरत किस्म की। अम्मा संभाल लो, भाई सोनी की शादी से पहले अपनी शादी के चक्कर में है। ओ आरिस, जरा देख तो मेरी तरफ। अम्मा ये जो भी बोलेंगे आप मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खैर मैं तो बता रही हूँ तुझे, तू है इस घर का बड़ा बेटा, सारी जिम्मेदारी तुझ पे है। जब तक सोनी रुखसत नहीं होगी तू शादी नहीं करेगा। अम्मा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, तुम कुछ छुपा रहे हो ना भाई? हाँ तू जाता है कि नहीं आज? गाड़ी कौन सी थी? शाबीर कैसा है? शाबीर, शाबीर वैसा नहीं है जैसे मैंने इमेजिन किया था। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली था। हाँ कुछ लोग होते हैं डाउन टू अर्थ, हमारी शाल उसे ठीक कर लेगी, है ना बेटा? पहले हमें इशाल के प्रायोरिटीज को संभालने पड़ेंगे। आप नहीं जानते पर हमारी फैमिली की साइड लिए बजाय वो किसी मोटरसाइकिल की साइड ले रही थी। थैंक यू। ये क्या बच्चों की तरह डैड से शिकायतें लगाने बैठ जाते हैं? मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ। ओके मैंने शाबीर से बात कर लिया, वो कल आ रहा है। क्या मतलब? अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं कि वो मुझे कैसा लगा और आपने उसे इनवाइट कर लिया। देखो इशाल, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वो बेस्ट चॉइस है, इसलिए पूछने और बताने की कोई जरूरत नहीं है। कल 6 बजे तैयार है ना? मैं कल अवेलेबल नहीं। तुम्हें अवेलेबल होना पड़ेगा और हो सकता है कि कल तुम्हारी मंगनी की डेट भी फिक्स कर दे। देखो मैं तुम पे कोई जुल्म नहीं कर रहा, मुझे पता है तुम मुझे 2-4 बार मिलोगी तो तुम्हें पसंद आने लगे। डैड आप समझ नहीं रहे। बहस करने की जरूरत नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन लेकिन क्या? जो डैड कह रहे हैं वो कर लो ना, तुम्हें मिलने में क्या जा रहा है? आप इन बातों का जरा ख्याल रखिएगा और महबूब साहब को कहिएगा मेरा वेट करें, मैं 7 बजे तक आने की कोशिश करूंगा। ओके एक्सक्यूज मी, बाद में बात करते हैं। ओके थैंक यू। आपने कहा था कि मैं आपके ऑफिस आऊं। अचानक किस तरह? आइए बैठ। आपने फोन करके आने को तो नहीं कहा था? आई नो मैं बिजी हो गया था, I'm sorry, लेकिन come on, have a seat. आपके ऑफर अभी तक वैलिड है? Of course. क्या मैं आपका ऑफिस देख सकती? Coffee? आपकी मेरे डैड से क्या बात हुई? Excuse me? मैं समझी थी कि मेरे समझाने पर आप समझ गए होंगे कि मैं अभी शादीवादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, पर फिर भी आपने मेरे डैड से मुलाकात तय कर ली? Well, वो इतने प्यार से कह रहे थे, मैं उनको मना तो नहीं कर सकता था ना। कल अगर उन्होंने प्यार से कह दिया कि मेरी बेटी से शादी कर लो तो आप कर लेंगे? Well, वो बड़े हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता। कमाल कर रहे हैं आप, मैं करना चाहूं ना करना चाहूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि आप। पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने फैसले खुद करना चाहती हूँ, चाहे सही हो या गलत। फेयर इनफ। आप एक दो घंटे तक सोच लीजिए, तब तक ऑफिस है क्या? मैं कोई कार नहीं खरीद रही हूँ जो दो घंटे में बता दूं आपको। मगर मैं बता सकता हूं आपको बगैर सोचे, क्या बहुत क्यूट है और आपसे शादी की जा सकती है, मतलब कोई हर्ज नहीं। मैं आज जा रहा हूं आपके घर आपके डैड से फाइनल बात करने। मुझे पता है तुम यूएस जा रहे हो, मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम विशाल को अच्छी तरह मिल लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर विशाल अमेरिका आ सकती है तुमसे और तुम्हारी फैमिली से भी मिल सकती है। विशाल को बुला। जी डैड। रेबर। क्या बात है, हाँ हो गई? अरे हाँ कहाँ से होगी, इशाल तो घर में ही नहीं है। घर में नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ? सुनो, डैड को अगर पता चला ना तो वो इशाल से बहुत नाराज होंगे। नहीं नहीं, मगर फिर भी डैड को पता तो चलना चाहिए। अभी? फिर और कब? लेकिन वो बहुत अपसेट हो जाएंगे उससे। रेबा, बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान उठाना बेहतर होता है। रेबर, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ कितने लोग आते हैं? 8-10। थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। और विंडोज पे आई थिंक जॉर्जेट के सफेद पर्दे भी होने चाहिए। जॉर्जेट के पर्दे या ब्लाइंड्स? शावीर को बहुत पसंद है सफेद जॉर्जेट के पर्दे, वो पार्टी में भी थे ना उस दिन। नहीं, यहाँ ब्लाइंड्स। आप शायद भूल गई हैं। नहीं, मैं बाकी बात नहीं। मुझे यकीन है अंकल कि आपका ये फैसला गलत नहीं है, बट आई थिंक यू शुड गिव हर मोर टाइम। ये उसका हक है कि वो ये फैसला खुद करे। एक्चुअली आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आई नो, मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इशाल को वक्त की जरूरत है और उस पर कोई फैसला ठोसना ज्यादती होगी। इशाल को अभी तक क्यों नहीं लाई? इशाल इस वक्त डैड, वो इशाल घर पे नहीं है। व्हाट? घर पे नहीं है? कहाँ चली गई? इट्स ओके अंकल, मुझे पता था वो घर पे नहीं है, मेरी उससे बात हो गई थी। एक्चुअली आज रात हम लोग खाने पे मिल रहे हैं। ओह, लंच यहाँ बनता है? जी हाँ। सब अलग अलग लंच करते हैं या एक साथ? जब जिसको टाइम मिल जाए कर लेते हैं। किस किस्म की डिशेस बनती हैं यहाँ पे? ये ऑफिस की डिजाइनिंग से मेन्यू का क्या ताल्लुक है? है, जब ही तो पूछ रही हूँ। हर तरह का खाना बनता है। आई थिंक वहां पर एक बड़ी डाइनिंग टेबल होनी चाहिए और उस पर वाइट जॉर्जेट का टेबल कवर कैसा रहेगा? आई एम सॉरी, कल रात बिला वजह ही मैंने इतना गुस्सा किया। मुझे तो लगा आप मुझे भूल गई। कैसे भूल सकती हूँ, बस थोड़ी सी एम्बैरस थी, लेकिन वो दुपट्टे वाला आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन आपका ड्रेस तो खराब हो गया। कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। एनीवे, थैंक्स फॉर योर हेल्प। प्लेजर।
जब वो आया था तो तुम्हें घर पे होना चाहिए था। मेरा जाना जरूरी था डैड। तुम्हारे लिए मेरी बात सुनना जरूरी है, और यूं जिद में आकर किसी अच्छे शख्स को मना कर देना अच्छी बात नहीं है। मैं मना नहीं कर रही हूँ डैड, मैं बस फैसला खुद करना चाहती हूँ। ओके ओके फाइन, मैंने तुम्हारी और उसकी डिनर रिजर्वेशन करवा दी है। डैड, डिनर पर वो लेकर जा रहा है, जगह उसके पसंद की होगी आपकी? उसे यहाँ का बिल्कुल नहीं पता, और जिस रेस्टोरेंट में मैंने बुकिंग करवाई है इट्स ब्यूटीफुल, वेरी गुड। और दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि अभी से उसे पता चले कि तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है। डैड, मेरी बात सुने। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आई नो तुम क्या चाहती हो, अब बच्चों वाली बातें मत करो। देखो, ये शादियां जो है ना बड़ी सोच समझ से प्लानिंग के साथ की जाती है। मैं इतनी प्लानिंग नहीं कर सकती, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। अब बहस करने की जरूरत नहीं है, 9 बजे तुम्हें वहां पहुंचना है। ओके फाइन, यस गुड। अक्रम, अच्छी तरह पता तुम्हें क्या करना है? मुझे सारी खबर चाहिए कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है और कब वापस आती है। आप बेफिक्र हो जाए सर। तो आपको ये जगह पसंद है? हाँ, आपको नहीं पसंद? मुझे भी पसंद। पता नहीं डैड का क्या रिएक्शन होगा। डोंट वरी, आप खुश है ना? या बस काफी है। अफसोस इस बात का है कि जब मुझे आपके साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए तो काम भी इतना सर पर आ पड़ा है कि बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा। लगता है आपको US आकर मुझसे मिलना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपको मेरा ऑफिस कैसा लगा? आप उसे डिजाइन करेंगी ना? या, आई थिंक मैं डिजाइन करना चाहूंगी। दैट्स ग्रेट। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं मार्केट जाना चाहूंगी, लेकिन मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है। आई विश के मैं ले आ सकता, लेकिन क्या करूं? दैट्स फाइन। मैं आर्यश को कह देता हूँ, वो आपको मार्केट ले जाएगा। और बताइए क्या करें? मुझे बीच पर टहलना है। आपको पता है आजकल कितना डेंजरस है यहाँ? मुझे पता है। इधर जाएंगे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट, बहुत भूख लग रही है।
कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे आप? कोई भी, जहाँ आप जाते हैं। आ गया। चले। मुझे तो भूख नहीं है। अरे सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं, कैसे भूख नहीं है? दरअसल मैं घर से बहुत हैवी नाश्ता करके आता हूँ। खैर जो भी है, मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी। जल्दी चले, फिर खा के निकलते हैं। जी। I'll have number 3 and fresh orange juice. Number 27. And drink? Koi bhi. Thank God the food is finally here. So hungry. This looks delicious. ये सब मेरे लिए? जी, आपने 27 मांगा। इसीलिए कहते हैं मेन्यू देखकर नंबर सेलेक्ट करना चाहिए। आप खाएंगी? जी नहीं, शुक्रिया। अगर नहीं खाया जा रहा तो रहने दें, कि मारेंगे नहीं आप। बिल प्लीज। अरे वैसे ये आपने ज्यादती की है। कभी कभी ज्यादतियां अच्छी लगती हैं। ये बताएं कल का क्या प्रोग्राम है? आप सुबह 11 बजे तक आ जाइए, हम जल्दी फारिग हो जाएंगे। Sounds good to me. अगर प्लान में कोई चेंज हुआ तो I'll call you. What's your number? विशाल, विशाल कहाँ थे सुबह से? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं। कभी कभी वफा मिली। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? आपने उसे बताया नहीं? बताया, लेकिन उसको लगता है कोई भी लड़का और लड़की बस यूं ही लंच पे नहीं जा सकते। वो डिनर पर गई थी पर शावीर के साथ नहीं। उसने बहुत अच्छा वक्त एंजॉय किया पर शावीर के साथ नहीं। वो कौन था ये तो आप खुद ही पता कराएं।